गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल जय माता दी। तो आप सभी का स्वागत है हमारे एक और से न्यू वीडियो में। सो अभी अपन वहाँ से कंप्लीट तैयार हो चुके हैं, देख सकते हो लुक एट दिस माय लुक कैसा दिख रहा हूँ बता देना अपने कमेंट बॉक्स में। एंड अभी सभी अपने भाई सारे तैयार हो गए, ये अम्बुलाल भी अभी तैयार होकर आ चुका है और पीछे भी हमारे मेरा बड़ा भाई और जीजू भी अभी पीछे पीछे बाइक लेके आए हैं, वो भी अभी जस्ट आए। सो गाइस, तो अभी अपने सारे भाई तैयार होकर आ चुके हैं और अभी हम निकलने वाले हैं गब्बर के लिए। सो क्या करें, निकले चलो जय माता दी। और हमारी गाड़ी यहाँ पे खड़ी रहेगी, वापस आएंगे तब तक। सो चलो गाइस, हटो, मिलते हैं गब्बर के डोंगरे पे। कहाँ पे? क्या बोलता है, कुछ भी बोलता है, व्हाट मैन। कहाँ पे मिलते हैं? गब्बर के डोंगरे पे। तो अभी अपन बस गब्बर की तरफ जा रहे हैं, सारा अपना ग्रुप पीछे है, देख चुके आप सब ध्वजा वजा लेके, और मैं सबसे आगे हूँ और मेरे साथ दिया जी है और फर्स्ट गेट आ चुका है गाइस। तो गाइस गब्बर जाते जाते नाश्ता करके जाऊँ करके मुड़ के फाइनली 5 दिन से जिस चीज़ का वेट था और आज हमारा 5वां दिन है। 5वां दिन तो हम पहुंच जाएंगे गब्बर और हमारे जिया जी और बड़े भैया भी चल रहे हैं। दोस्तों अभी आए हैं सुबह में 2 बजे शायद, तो मज़ा आ रहा है गाइस। और गाइस वहाँ पे मासियाँ पड़ी, मेरे को वापस पकड़ लिया, मेरे पास धज्जा इसलिए। तो गाइस हमने कल्टी मार ली है अभी यहाँ से और कल्टी मार के आगे निकल चुके हैं, अभी वापस नहीं मिलने वाला उनको। जय माता दी गाइस। गाइस मेरे को तो ऐसी जगह पे पकड़ लिया था, बाद में क्या बताऊँ, शानदार कल्टी मारी और पीछे रह गए।
गोल्डन टेंपल के पास है, इस साइड गोल्डन टेंपल है और हम इस साइड, क्योंकि अभी हम जा रहे हैं गब्बर। गोल्डन टेंपल आते समय दर्शन करेंगे। और ये अपनी ध्वजा है दोनों, आगे और पीछे। और देखो गाय ऐसे लोग जा रहे थे और अभी आपने देखा आई नहीं थे उससे पहले, मैं गए जैसे करके सो गया था और अभी उन्होंने आके जगाया मेरे को अचानक से। चलते चलते नींद आ रही थी मेरे को, चलते चलते अभी वो रविवार है उनका वेट कर रहे हैं और हमें गब्बर के दर्शन पता नहीं कितने बजे करने मिलेंगे। तो गाइस आई एम वेरी टायर्ड। सो फाइनली गब्बर हमें दिख चुका है, लुक एट दिस, सामने ये गब्बर का के नेचर जो के आ चुका है। अभी बस 2-3 मिनट और सीधा चढ़ेंगे। मैं अकेला ही हूँ, पीछे रह गए हूँ वो सब। धीरे धीरे सब धीरे धीरे आ रहे हैं, कोई किसी एनर्जी बची नहीं कि कोई अब छोड़ गया है। एक बार गब्बर चढ़ेगा फिर वापस एनर्जी आ जाएगी भाई। अरे माता जी ग्रो तो थोड़ा सा ही है बस, हो गया। अगर हम यहाँ रात को होते हैं गाइस तो नेक्स्ट लेवल का नज़ारा होता, नेक्स्ट लेवल का बता नहीं सकता गाइस। और बहुत एक्साइटमेंट हूँ और बहुत खुश भी हूँ
हैप्पी भी हूँ हर चीज़ से कि फाइनली पहुँच तो आ चुका है क्या फर्स्ट के द्वार, माता जी की मूर्ति भी है और अपने ऊपर वहाँ पे गब्बर। अभी वो पीछे रह गए, वो आएंगे तब ये स्लीफर लेने हैं कर रहे हैं हम नरेश ने दोनों वायर, इसके बाद जाएंगे ऊपर। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट होगा इसमें। तो गाइस फाइनली माता जी का गेट बहुत ही शानदार दिख रहा है आप देख सकते हो, और क्या है लुक, क्या है नज़ारा। कार्टून टाइप तो नहीं लगूंगा, ऐसे लगेगा तो फिर लगाऊंगा, कार्टून टाइप लगेगा तो फिर निकाल दूंगा। और गेट देख सकते हो कितना बड़ा है। अभी मैं और अब्बू हम दोनों जा रहे हैं, बाकी सब पीछे हैं पता नहीं कुछ, दोनों ही जा रहे हैं। यहाँ सब पुलिस वाला सर भी है। ध्यान रखना फिर ऐसे सब चीज़ों को, यहाँ पे बनता है बोलो, मजा आ गया। अभी यार यहाँ पे लिटरली गाइस बहुत ज़्यादा ही भीड़ है। सो गाइस बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो चुकी है, देख सकते हो आप बस जैसे जैसे चढ़ दो। हम तो यहाँ बीच में आके रुक गए, अभी भी लाइन तो चालू ही है।
ट्रैफिक में थक गया था, भीड़ में बहुत ही ज्यादा भीड़ थी। टप्पर वाला भाई आता है, यहाँ पे रुके हम भी दोनों बैठते फिर चढ़ते हैं। इतनी गर्मी और ऊपर इतनी ज्यादा भीड़ चेक कर आप थोड़ी देर तब तक चढ़ते हैं करने के बाद गब्बर पर पहुंचने में कामयाब रहे। बहुत ही ज्यादा वाली भीड़ थी। उल्टा देखना मैनेजर बोले बोल मारी अम्बे अभी ऊपर उतर चुके हैं मंदिर पे, ऊपर दर्शन करके नीचे आ चुका हूँ मैं। वहाँ पे है मंदिर, आप देख रहे हो ये जो उड़न खटोला वाला दिख रहा है ना, ये हाँ उसके उस साइड मंदिर। तो अपन दर्शन करके उतर चुके हैं और मैं व्लॉग बना ही रहा था। इतने में हुआ क्या कि मतलब बहुत भीड़ थी, अचानक मेरे साथ जो था वो आगे चला गया, उसको धक्का लगा तो मैं बैठती में पीछे रह गया, ऐसे में पिछड़ गया। तो फिर मैं जैसे करके भीड़ में से ऐसे निकला, फिर भी मेरे को मोबाइल यूज़ करने का टाइम ही नहीं मिला। फिर भी मैंने थोड़ा बहुत शॉट लिए और इतना रश, इतना इतनी सारी आवाज़ थी कि मेरी कुछ आवाज़ आपको सुनाई नहीं देगी, इसलिए फिर मैंने ब्लॉग ही नहीं बनाया। फिर मैं जैसे पुलिस वाला भी बहुत भीड़ थी और पानी भी आ रहा था सीढ़ियों में से, तो फिसलने का भी चांस था, इसलिए फिर मैंने रिस्क नहीं लिया और सीधा से उतर गया। और अभी यहाँ पे गार्डन टाइप है, थोड़ा बहुत पहाड़ पे ही गब्बर हिल्स पे वहाँ पे बैठा हूँ मैं और अम्बू का वेट कर रहा हूँ जो कि पीछे रह गया है। तो वो आ जाएगा, तो अब वो आ जाएगा। उसके बाद हमारे जो हमारे साथ वाले हैं वो भी अभी लाइन में लगे हुए। हमारे तो 2 से 2.5 घंटे हो गए थे नंबर आते आते मंदिर तक, वो भी ऐसे पहाड़ पे, तो हालत ख़राब हो गई थी। और हम वो रवि अनुभियान वो उनके तो ज़्यादा टाइम लगे क्योंकि वो हमारे से आधा घंटा पीछे चढ़े थे। तो वो सब सारे उतरेंगे एक बार, फिर यहाँ पर थोड़ा देर आराम करेंगे, फिर यहाँ से जाएंगे गोल्डन टेम्पल। क्या इतने है गाइस, हम जो बैठे हैं आप देख सकते हो, अगले साल हमने वहाँ पे व्यू पॉइंट है, सनसेट व्यू पॉइंट वहाँ जाके हमने फ़ोटो खींचे थे। वहाँ पे गार्डन टाइप है, यहाँ पे भी बैठने जैसा बहुत है, यहाँ पीछे भी बहुत सारा है। तो ये मंदिर इसके अंदर भी चलो दर्शन करके आते हैं। चलो अंदर आ
गाइस ये वाला मंदिर अभी शायद नया बना है, देख सकते हो आप। माता जी की मूर्ति है ले और माता जी विराजमान है, शानदार लग रहा है भाई। संदीप भाई गुरु जी, संदीप भाई गुरु जी, कंट्रोल पॉइंट पर आवे। और गाइस आप सामने देख सकते हो गब्बर, वहाँ भी मतलब इतना रश है, क्या बताओ, पब्लिक इतनी है, बहुत ही ज़्यादा पब्लिक है, आपको नहीं दिख रही होगी वहाँ इतनी ज़्यादा पब्लिक है कि क्या बोले वहाँ पे। तो गाइस अभी गार्डन वाले रास्ते से हम नीचे उतर रहे हैं, क्योंकि वहाँ से जाते तो इतनी भीड़ थी कि फिर वो मज़ा नहीं आता, और यहाँ पर थोड़ा ठंडा है तो यहाँ से उतर रहे हैं नीचे, मैं और नरेश दोनों, और वो नीचे जाके खड़े हैं तो उनके पास अभी जाना है। पहले तो वो जा रहे हैं उड़न कटोले, यहाँ पे भी एक मंदिर है, और अभी हम जा रहे हैं इस वाला रास्ते से नीचे। सो गाइस ये जा रहा उड़न कटोला, कहाँ गया हाँ ये रहा, ये किया आया। सो गाइस